तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सा ले और कौन सा ना ले, क्योंकि दोनों ही एक्सफोलिएट करते हैं, दोनों ही टैन को रिमूव करते हैं, लेकिन दोनों से कौन सा बॉडी वॉश किस स्किन टाइप को जाएगा, कौन सी प्रॉब्लम के लिए दो बॉडी वॉश है, कौन सा बॉडी वॉश आप डेली यूज़ कर सकते हैं, कौन सा आप डेली नहीं यूज़ कर सकते हैं, किसका क्या काम है क्या है या कैसे करते हैं, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। दैट्स व्हाई हम लोग को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के इस चीज़ को जानना पड़ेगा। सो मैं बात करने वाली हूँ ऐसे दो बॉडी वॉश जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि कौन सा यूज़ करूँ। सो द प्रोडक्ट्स आर ये केमिस्ट प्ले का ये दो बॉडी वॉशेस। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो मैंने परचेज किया था वो था ये ऑरेंज वाला। तो ये है डेली एक्सफोलिएशन बॉडी वॉश, 4% लैक्टिक एसिड प्लस सैलिसिलिक एसिड प्लस विटामिन ई, और ये क्लेम करता है जेंटली एक्सफोलिएट्स डेड स्किन सेल्स, स्मूथनेस रफ एंड बम्पी स्किन। सो ये क्लेम करता है कि आपकी स्किन के जो डेड सेल्स है वो सब कुछ रिमूव कर देगा, और ये कहीं पे अगर आपके बहुत सारे रैशेस या फिर कहीं पे बम्पी स्किन हो जाता है, इचिंग हो जाती है या फिर थोड़ा सा पिंपल हो जाते हैं, तो उस सब को भी ये रिमूव कर देगा आपके बॉडी में से, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड है 4% और सैलिसिलिक एसिड है, दोनों ही एक्सफोलिएशन का काम करता है। उसके साथ विटामिन ई है इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अगर सब कुछ एक्सफोलिएट करेगा तो बॉडी का मॉइस्चर कैसे लॉक होगा, इसलिए विटामिन ई दिया हुआ है इसको बैलेंस करने के लिए। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ये येलो वाला, ये भी सेम है, ये है ब्राइटनिंग बॉडी वॉश। ये है आपका डेली एक्सफोलिएशन और ये है ब्राइटनिंग बॉडी वॉश। इसमें है 3% विटामिन सी प्लस नियासिनमाइड अल्फा अब्यूटिन ग्लाइकोलिक एसिड एंड कामो कामो। ये हेल्प करता है ब्राइटन एंड इवन आउट स्किन टोन, एंड ये डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है फॉर ऑल स्किन टाइप्स। सो द थिंग इज इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो है इनके क्लेम्स। इसके क्लेम्स सुन के ही लग रहा है ये दोनों चीज़ बिल्कुल डिफरेंट कंसर्न के लिए बना हुआ है। सो ये वाला जो है ये आपकी बॉडी टैनिंग को दूर करेगा, ये आपकी बॉडी टैनिंग को दूर करेगा। इसमें कॉमन एक ही चीज़ है कि दोनों ही आपके बॉडी टैनिंग को दूर करेगा, लेकिन अगर आपके बॉडी टैनिंग के साथ साथ आपकी स्किन में रैशेस है या फिर स्किन में बहुत सारे एक्ने हैं या फिर बहुत सारी इची स्किन है, इरिटेटेड स्किन है, तब मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप ये वाला यूज़ कीजिए। अगर आपकी स्किन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप टैन पड़ गए, आपकी स्किन को ब्राइटनिंग चाहिए, थोड़ा सा स्किन टोन थोड़ा सा डल हो गया है, तो उसके लिए ये है, क्योंकि इसमें नियासिनमाइड विटामिन सी है। नियासिनमाइड भी कॉम्प्लेक्शन को ठीक करने में हेल्प करता है, विटामिन सी ग्लो देने में हेल्प करता है, और विटामिन सी कई हद तक डार्क स्पॉट को भी रिमूव करता है। अल्फा एबुटिन ग्लाइकोलिक एसिड वो के डर्ट को क्लीन करता है, पोर्स की प्रॉब्लम होती है उसको दूर करता है, पोर्स को क्लीन करता है। तो ये सब कुछ है इसमें, और इसमें है सिर्फ लैक्टिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड। सो द थिंग इज अगर हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब बहुत ज़्यादा टैन हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्ने हैं, बहुत ज़्यादा रैशेज हो चुकी है, बहुत लोग की हाथ ऐसे हो जाते हैं, तो उनके लिए आप ये एक्सफोलिएशन यूज़ कर सकते हैं। ये आप डेली तो यूज़ कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा भी इरिटेशन होता है तो वो एक दिन छोड़ के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानो इसमें कोई इरिटेशन नहीं होता, मैंने इसको डेली यूज़ किया, ये ख़त्म भी हो चुका है, एक बार के लिए भी मुझे इसने इरिटेशन नहीं दिया, और इसने सच में टैनिंग को दूर किया है। इसने भी टैनिंग को दूर करने में हेल्प किया, लेकिन इसने ज़्यादा जल्दी किया है इसकी कंपैरिजन में। लेकिन इसकी एक ही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा मतलब बॉडी वॉश की तरह है, और इसको इतना सा लोगे तो आपके सारे बॉडी को ये अच्छे से कवर कर लेगा, और इसकी स्मेल भी एकदम लेमनिश है तो बहुत ज़्यादा अच्छा। लेकिन इसकी एक ही आपकी जो मुझे लगा इसकी नेगेटिव मार्किंग है, और शायद इसकी नेगेटिव मार्किंग ना भी हो, इसके काम के लिए इसको ऐसे ही बनाया गया है कि इसको बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में आपको लेना पड़ता है, थोड़े से में ये बहुत ज़्यादा फोम क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि एक्सफोलिएटर है इसलिए फोम क्रिएट नहीं करता है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में आपको लेना पड़ता है, फिर आपकी सारी बॉडी को अच्छे से कवर करके लूफा की हेल्प से अच्छे से उसको वॉश करना होता है। और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही ज़्यादा कुछ मतलब अलग किस्म का क्रीमी स्वीट ऐसा है, बहुत ज़्यादा अच्छा, और इसकी बहुत ज़्यादा लेमनिश है, और आप चाहते कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करें, आपके मतलब बॉडी में थोड़ा सा यू नो ओडर प्रॉब्लम है, स्किन में बहुत ज़्यादा बदबू आती है ऐसे, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को ब्राइटनिंग करेगा, वाइटन करेगा, टैन दूर करेगा, उसके साथ साथ आपकी स्किन की जो ये ओडर वाला प्रॉब्लम है वो भी दूर करेगा। और आपकी स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम है तो आप लोग इससे यूज़ कर सकते हैं, ये एक साल बहुत सारी चीज़ को ट्रीटमेंट करेगा। इसकी कंसिस्टेंसी में ये है, इसके अंदर एक्सफोलिएटिंग बीड्स है जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से स्किन सेल्स को रिमूव करेगा, जो इसमें इसने क्लेम भी किया है वो एकदम सच है, बहुत ज़्यादा रफ और बम्पी स्किन टेक्स्चर है, तो वो उसको भी ये रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो इसमें एक्सफोलिएटिंग पार्ट्स है लेकिन इसमें नहीं है, ये पूरा एकदम जेल फॉर्म में आता है, थिक जेल फॉर्म में आता है, इसलिए इसको थोड़ा सा लेते ही बहुत ज़्यादा झांक हो जाता है अपने साथ। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे, दोनों के प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, ये 399 का MRP है और ये 349 का MRP है,
दोनों में ही डिस्काउंट चलता है, दोनों ही ऑलमोस्ट एक ही पोजीशन में आ जाता है डिस्काउंट में, सेल में। सो आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ कि दोनों के मेन मेजर डिफरेंस क्या क्या है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी और भी क्वेरीज हो, मतलब किसी की कोई पर्सनल क्वेरीज हो कि मेरी ऐसी स्किन है तो मैं कौन सा यूज़ करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर किसी के कमेंट की रिप्लाई करती हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और ऐसे ही आप लोग मुझे सजेशन देते रहिएगा कि आप लोगों को क्या जानना है मुझसे, क्या कैसी वीडियो चाहिए, तो मैं वैसे वैसे वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए लाती जाऊँगी। सभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।